गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। पॉलिटिकल साइंस नाइन्थ की क्लास में जो हमारा लेसन चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइंस यानी जो संविधान का जो निर्माण है उसमें आज जो पार्ट पढ़ेंगे हम वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान की सभा। जो भी संविधान होता है किसी भी देश का वो उस देश की आत्मा कहलाता है, सोल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो संविधान है इसके निर्माण के पीछे कौन कौन लोग थे, किन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, कैसे बनाया, कितने दिन में तैयार हुआ बनके, इसकी सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे और इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई थी, क्योंकि जो हमारा देश है ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग भाषाएं थी यहाँ पे, अलग अलग बोलियां थी, अलग अलग संस्कृति है यहाँ के क्षेत्रों की, तो उसमें ये जो निर्माण हुआ था संविधान का वो किस प्रकार से हुआ था वो सारा डिटेल्ड में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसको बनाने वाले लोग कौन थे। यू विल फाइंड हेयर, तुम यहां पाओगे वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भारत का जो संविधान है इसको निर्माण करने के लिए जो सबसे मुख्य जिनकी भूमिका थी, मुख्य जो रोल था वो किन्होंने निर्वाह किया, ऐसे कौन जो नेतृत्व करता थे उनके बारे में हम संक्षिप्त विवरण यहाँ पे प्राप्त करेंगे। इसमें द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका मतलब ये है कि जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, ठीक है, जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो डॉक्यूमेंट्स जो तैयार किए जा रहे थे किसमें, एक असेंबली के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, वो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। संविधान सभा के अंदर कौन थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे कुछ लोग। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जो संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था, जो चुनाव हुआ था कि इसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे या कौन कौन लोग इसमें होंगे, उसका चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और जो संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। ये आपको डेट्स हैं याद रखनी पड़ेंगी। सून आफ्टर, उसके बाद शीघ्र ही, द कंट्री वाज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद जो हमारा देश है वो दो हिस्सों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान किस आधार पे बटा था, रिलीजियस आधार पे, धर्म के आधार पे, इस्लामिक कंट्री के रूप में वो चला गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान यानी जो संविधान सभा है वो भी बट गई थी, किस आधार पे, एक संविधान सभा भारत की, दूसरी पाकिस्तान की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 299 मेंबर्स यानी भारतीय जो संविधान सभा जो है जिसको लिखा गया था, ठीक है, उसमें कितने लोग थे, 299 लोग थे। द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 यानी जो असेंबली जो थी उसको अडोप्ट कर लिया गया था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कब, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये पूरी तरह से कब प्रभाव में आई, इफेक्ट ऑन, कब से प्रभावी हुई, 26 जनवरी 1950 में। हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर और इस दिन को याददाश्त के रूप में एज ए रिपब्लिक डे हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी यानी हमारा उस दिन क्या हुआ था, संविधान, गणतंत्र दिवस मनाते हैं जिसे अपन, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। वी शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 50 इयर्स एगो यानी जो हमने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बनाया गया था ये असेंबली सभा, इसको हमने एक्सेप्ट किया है, कब किया है, 50 साल पहले। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबाउट, इसमें हमने एक ऑलरेडी एक रीजन है, एक कारण है जो हमने ऊपर देखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन यानी जो संविधान है इसके अंदर सिर्फ जो मेंबर्स हैं इन्हीं के ही व्यूज नहीं है,
इट एक्सप्रेस ए बोर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स टाइम मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन ए फ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पोलिटिकल पार्टीज। यानी इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो कंट्री हैं जिन्होंने दोबारा से भी अपने संविधान को नए तरीके से लिखा है। कैसे? बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेड, यानी बहुत सारे ऐसे नियम थे जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है या फिर बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सब ने उसको बोर्डली एक्सेप्ट किया है। इन सम अदर कंट्रीज, और दूसरे जो कुछ देश हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड मेयर पीस ऑफ पेपर, यानी वो क्या है कि सिर्फ एक कागज का ही टुकड़ा है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, सही तरीके से कोई इसे फॉलो नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन जो हमारे संविधान का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है। ओवर द लास्ट हाफ एंड सेंचुरी, यानी लगभग हाफ सेंचुरी यानी 50 साल से सेवरल ग्रुप्स हैव कंसीडर्ड सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे ऐसे जो समूह हैं, ठीक है, जो इस संविधान के द्वारा कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, प्रश्न किए गए हैं, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर सामाजिक समूह हैं, वो इस संविधान की जो वैधता है, ठीक है, लेजिटिमेसी यानी इसकी जो वैधता है, इसकी भाई वैधता का मतलब होता है जो कानूनी स्वरूप है इसका, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस नहीं खड़ा करते हैं। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यह एक बहुत ही असाधारण उपलब्धि, अचीवमेंट मानी उपलब्धि है किसी भी संविधान की। यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर संविधान को एज ए कागज के टुकड़े के रूप में माना जाता है, ज्यादा उनको नहीं माना जाता है, या बहुत सारी जो सामाजिक समूह हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चंस करती हैं या उसको एक्चुअली तरीके से फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन ये बहुत ही असाधारण बात है और बहुत ही असाधारण उपलब्धि है कि हमारे देश का संविधान 50 साल पुराना होने के बाद भी कुछ सामाजिक समूह और कुछ राजनीतिक पार्टियों को अगर अपन छोड़ दें तो कोई भी इतना बड़ा क्वेश्चन इस पे खड़ा नहीं करती है। दूसरा है, द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है एक्सेप्ट करने का संविधान को, वो क्या है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की जो सभा है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग थे वो द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के ही कुछ लोग थे। देर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज एट द टाइम, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज नहीं थी, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाई ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये जो हमारा संविधान सभा है, ठीक है, इसको डायरेक्ट लोगों ने ना चुना, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाई द मेंबर्स ऑफ द एग्जेक्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेचर दैट वी मैंशनड अबाउ, यानी बहुत सारे ऐसे जो हमने ऊपर जो मेंशन कर दिया है पहले की जो पार्ट में, कि जो कुछ सदस्य थे, ठीक है, जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके जो सदस्य हैं वो सदस्य मिलकर के इसका चुनाव किया था। कितने सदस्य थे वो? लगभग 299 मेंबर्स थे, 299 जो अलग अलग रीजन से आए हुए थे। दिस इंश्योर्ड ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी ये इंश्योर किया गया था पूरी तरह से, एक भौगोलिक जो हमारा एक क्षेत्र है भारत का जो भौगोलिक, यानी उत्तर पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पूर्व, जो भी एरिया है चारों दिशाओं का, उसके जितने भी जो रीजन्स थे उनमें सब में से ये मेंबर्स चुने गए थे, अलग अलग भाषाओं के भी। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो असेंबली है किसने डोमिनेट किया था इसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। द पार्टी द लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी ऐसी पार्टी जिसने भारत का जो स्वतंत्रता जो संग्राम था, संघर्ष था, उसमें नेतृत्व किया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन, लेकिन जो खुद कांग्रेस है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक ग्रुप्स हैं और जो अलग अलग ओपिनियन है, यानी अलग अलग जो मत है, इनमें बटी हुई थी। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स Who did not agree with the Congress, यानी असेंबली के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे या सहमत नहीं थे। In social terms, to the assembly represented members from different language groups, caste, class, regions, religions and the occupations, यानी ये जो सदस्य थे बहुत सारे, इन सोशल टर्म्स टू, यानी अगर सामाजिक क्षेत्र में अगर अपन देखें तो असेंबली जो थी, कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो संविधान सभा की जो हमारी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे
वो डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप के थे, अलग अलग भाषाई ग्रुप, जैसे कोई तमिल बोलता था, कोई हिंदी, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, है ना, कोई कास्टिज्म, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग क्लास के थे, वर्ग इनका अलग अलग था, धर्म अलग अलग थे, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग थे, और व्यवसाय उनके अलग अलग थे, यानी जो 299 जो सदस्य थे वो अलग अलग क्षेत्रों से सभी चूज किए गए थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। इसका मतलब भी यही है कि जो असेंबली है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कोई इस तरह से नहीं चूज किया गया था, बल्कि कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, लेकिन जो इनका जो चुनाव किया गया था वो बहुत ही भिन्न तरीके से किया गया था। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी फाइनली यानी पूरी तरीका से फाइनल तरीके से द मैनर ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान है उसके अंदर जो संविधान सभा है ये उचित तरीके से अपना कार्य कर रही थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक ओपन एंड कॉन्सेंसुअल्स मैनर, यानी ये जो संविधान सभा है ये एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से अपना कार्य कर रही थी। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, यानी कुछ सर्व में जो कुछ बेसिक जो सिद्धांत थे वो डिसाइड किए गए, निश्चित किए गए, उसके बाद सभी उस पर एग्रीड हुए। ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जिसका चेयरपर्सन कौन थे, मेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट थे, ये उसको अध्यक्ष कर रहे थे। और ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार की थी इनके द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, उसके बाद उस पर संविधान की जो थी ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी इस पर डिस्कस किया गया सभी लोगों के द्वारा। सेवरल राउंड्स ऑफ द थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस इन द ड्राफ्ट कमेटीज कॉज बाई क्लॉज, ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि जो ड्राफ्ट संविधान था, संविधान का यानी जो ड्राफ्ट बनाया गया था इस पर डिसीजन लिया गया था, क्या कि सेवरल राउंड्स, बहुत सारे अलग अलग जो राउंड्स के ऊपर, राउंड्स यानी अलग अलग प्रकार से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से, यानी वन राउंड, टू राउंड, थ्री राउंड, अलग अलग प्रकार से इसके ऊपर डिस्कस हुआ था। अब इसमें मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, यानी लगभग 2000 से ज्यादा इसमें बदलाव किए गए थे। 2000 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब बदलाव या कुछ धाराएं, ठीक है, वर कंसिडर्ड की गई थी। द मेंबर्स डेलिबरेटेड फॉर 140 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, यानी 3 साल, ठीक है, और 114 दिन तक इन्होंने कड़ी मेहनत की थी। अब हुआ क्या, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट इन एवरी वर्ड स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, यानी जो संविधान सभा जो थी, जो डॉक्यूमेंटेशन जो तैयार की गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली का, हरेक वर्ड को संभाल करके, हरेक वर्ड को और हर उस डॉक्यूमेंट को संभाल करके तैयार किया गया था। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, यानी इसे क्या बोलते हैं अपन, संविधान सभा की बहस। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्की वॉल्यूम्स, जिसको जो डिबेट्स थी इसको 12 अलग अलग वॉल्यूम्स, अलग अलग प्रकार से इसको प्रिंट किया गया था अलग अलग भाषाओं में। दीज डिबेट प्रोवाइड ए रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डिबेट थी ये काफी तर्कसंगत थी हर क्षेत्र के अंदर संविधान सभा में। दीज आर यूज टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिसने इसके जो संविधान का जो मतलब है उसमें काफी इंटरप्ट किया था, काफी बदलाव कर दिया था। तो ये संविधान सभा है, इसमें कौन कौन सदस्य थे, किन किन क्षेत्रों से थे, कितने मेंबर्स थे, कब ये लागू हुई, किसने ड्राफ्ट कमेटी बनाई और किस प्रकार से इसको पूरे तरीके से तैयार किया गया, इसके बारे में आज ये हमने पढ़ा है। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा इसका, क्या गाइडिंग वैल्यूज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ये हम अगला पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आज जो इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हैं।